हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक वेरी गुड. सो दिस इज आवर वीडियो लेक्चर नंबर 3 एंड इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8. ओके, आई थिंक 9 भी होगा तो हो जाएगा, नहीं तो 8 तक तो हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का. जिन्होंने पीछे का वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर वॉच कर लीजिए. उसमें मैंने समझाया है आपको कैसे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, कैसे सेक्टर का फॉर्मूला यूज होता है, कैसे सेगमेंट का फॉर्मूला यूज होता है, और आज उसके ही आगे उसी एप्लीकेशन को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं. तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर. मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिषेक सर मैथ्स. लेट्स स्टार्ट. एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. आपको याद होगा सेक्टर का फॉर्मूला और सेगमेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. ठीक है, फॉर्मूला याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे. चलिए ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला है. इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर सबटेंडेड एंड एंगल थीटा. एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर. यहाँ से एक आर्क बन रहा है. आर्क का मतलब ऐसा. आर्क क्या होता है? ऐसा होता है ना, जैसे ए बी आर्क, ए बी. एक आर्क बना है, ये 21 सेंटीमीटर. ओके, ए बी नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम देखो आप यहाँ पे ये एंगल कितना है, 60 डिग्री. 60 डिग्री पे एक आर्क बन रहा है. आर्क मतलब समझ पा रहे हो ना, एक आर्क लगाया कहाँ पे, 60 डिग्री पे, जो कि ऐसा है. ओके, तब यहाँ पे आपको निकालना है लेंथ ऑफ सेक्टर. क्या निकालना है? पहला आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है. तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब लेंथ ऑफ क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा बताओ. एल इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई. समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है? ये क्या है, आर्क की बात कर रहे हैं. हम किसी बात कर रहे हैं, इस ये जो आर्क हमने बनाया है इस आर्क की बात कर रहे हैं. ठीक है, ये जो आर्क बनाया हमने उस आर्क की बात कर रहे हैं. तो देखो यहाँ थीटा की वैल्यू बताओ कितना है, 60 डिग्री है. आर की वैल्यू आपको दे रखा है 21 है. और कुछ चाहिए क्या? नहीं. तो थीटा की वैल्यू रखो 60, 360, 2, 22/7. क्या देखो यहाँ चेक कर लेना एक बार, पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं लेने को बोला है? नहीं बोला है. चलिए आर की वैल्यू कितनी है, 21. 7 3 जा 21 कर सकते हैं हम. 60 गया, 6 6 जा 36 हो गया, 2 3 जा गया और 3 3 जा गया, यानी कितना आया, 22 सेंटीमीटर. अच्छा यूनिट देखो, यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी. सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगी क्योंकि एरिया की बात नहीं कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है. लेंथ क्या हो सकता है, सेंटीमीटर में होगा. तो लेंथ का ध्यान रखना है आपको. फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. पढ़ा है ना, अच्छे समझाया है मैंने आपको पहले लेक्चर में. जिसको नहीं पता प्लीज आप जाके देखिए. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है ये. तो हमें इस लेंथ की बात किया है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला फॉर्म लगा रहे हैं. ओके अच्छा, ये फर्स्ट हो गया. सेकंड में देखो क्या बोल रहा है. फर्स्ट फिफ्थ के सेकंड में एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो सेक्टर बन गया इस आर्क की वजह से, जो सेक्टर बन जा रहा है उस सेक्टर का बताओ एरिया कितना होगा. तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी पता होगा आपको, पता है कि नहीं. सेक्टर वी, जब वी आएगा तो क्या होता है, वो सेक्टर होता है. देखो वी के शेप में है, कट रहा है ना, मतलब क्या है, ये सेक्टर है. उसका फॉर्मूला कितना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. याद रखो आप, यहाँ बस 2 पाई आर आता है और यहाँ पे क्या आता है, पाई आर स्क्वायर आता है. ओके, तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज 60 अगेन, दैट इज 360 एंड पाई विल बी 22/7 आर स्क्वायर 21 एंड 21. ओके, नाउ 7 3 जा 21, 0 0 6 6 जा 2 3 जा 2 11 जा, दैट 3 एंड 3 कैंसिल आउट. द आंसर विल बी 11 इंटू 21. द आंसर फाइनल आंसर 21 10 जा 210 एंड 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. कैसे हुआ सॉल्व, क्लियर हो रहा है? क्लियर है फर्स्ट और सेकेंड. फर्स्ट में क्या करना था हमें, आर्क का लेंथ निकालना था. लेंथ जहाँ भी निकालना होगा आपको ये फॉर्म लगाना है, और जहाँ भी कहीं सेक्टर की बात कर दिया इसलिए हमने ये फॉर्म लगा दिया. ओके, नाउ थर्ड क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. यहाँ से करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बना दो, ऐसा. करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब इसके साथ ही कॉर्ड बन रहा होगा ऐसा कुछ. अब उस कॉर्ड का क्या निकालो, एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, एरिया, जब भी कहीं एरिया ऑफ सेगमेंट की बात किया इसका मतलब क्या है, माइनर की ही बात करता है. मेजर जब मेंशन होगा तभी यूज करना है, अदरवाइज क्या करता है वो, माइनर की बात करता है. ओके, इतना लिखें. अब इस कॉर्ड के लिए हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं. पहला आंसर ये था, पहले का आंसर ये, इसके लिए हमने फाइंड आउट किया. दूसरे का आंसर इस पूरे के लिए निकाला. अब तीसरे के लिए क्या है, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं हम. ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, रब करूँ मैं इसको. ओके, देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, पाई थीटा, ओ क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा. यही है फॉर्मूला, याद है. सारी वैल्यू पुट करेंगे, इसको भी रफ कर लेते हैं हम साथ साथ. आर कितना है, 21
पाई कितना है 22/7, थीटा कितना है 60, ये कितना है 360 माइनस 1/2। साइन 60 की वैल्यू बताओ, याद करो साइन 60 की वैल्यू मैंने बताया था कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कितना होता है √3/2। ओके तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 गया, 6 जा 36, 2 3 जा 2 11 जा। ओके तो अब क्या बचा, 21 × 21 11/21 माइनस √3/4 से ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट। देखो ये रूट की वैल्यू रखनी नहीं है ना, रूट की वैल्यू रखनी नहीं है, टेंशन मत लो आप रूट के लिए। देखो ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट तो ऐसा हो जाएगा कुछ, और यहाँ भी क्या होगा 21 × 21 √3/4। देखो हमने क्या किया, ओपन कर दिया, इसका इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा और इसका एक बार इसके साथ होगा। यहाँ 21 से 21 कट गया, तो यहाँ से आया देखो 21 10 जा 210 और 210 211 और 200 कितना आएगा 231 माइनस 441 √3/4 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर एरिया ऑफ सेगमेंट। ये कितना है, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया किसका, सेगमेंट का। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको, इजी है ना। देखो यहाँ इसका तरीका एक और है कि आप सेगमेंट की वैल्यू निकाले थे, यहाँ से एक एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हो तब भी ये आंसर था। वो भी एक कंसेप्ट है, वो भी बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूले बेस्ड बताया, इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा, आपको जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है कुछ नहीं करना है, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा लगाना है, यूज़ करना है और आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट होते हुए प्लीज़ कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट करिए, अच्छे खराब जो भी कमेंट करना है करिए, लेकिन हर बच्चा एक बार कमेंट करेगा और साथ साथ लाइक जरूर करेगा। ओके करिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल थीटा एट द सेंटर। ठीक है, एक कॉर्ड है, एक सर्कल है जिसका कॉर्ड है, कुछ है कुछ भी है, यहाँ से एक रेडियस बना रहा है, रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर और इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री। ठीक है, कॉर्ड है, कॉर्ड से रिलेटेड जो भी एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, डायग्राम बनाना आप सीखें थोड़ा सा। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर, माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो आपको निकालना क्या है, माइनर सेगमेंट और साथ ही साथ मेजर सेगमेंट। देखो सेगमेंट की याद करो, सेगमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब डी की बात करें तो सेगमेंट आता है, वी की बात करें तो सेक्टर आता है। तो यहाँ क्या दिया है, सेगमेंट की बात किया, मतलब डी की ही बातें करनी है। तो आपको माइनर भी डी निकालना है, मतलब एक तो ये वाला निकालना होगा और साथ ही साथ ये वाला निकालना होगा, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, कौन सा माइनर सेगमेंट, और इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल पाएंगे। फॉर्मूला बना है एक, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट होता है, ये माइनर होता है ना, पता ही नहीं आपको, जो फॉर्मूला हमने बनाया है, जो फॉर्मूला क्रिएट हमने देखा है वो कौन सा फॉर्मूला होता है, किसका होता है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने देखा है, ये किसका होता है, माइनर सेगमेंट का। तो एक काम करते हैं, हम इस फॉर्मूला लगा के ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, जब ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये पूरा बचाना है, तो पूरे सर्कल में से अगर हम इतना माइनस करेंगे तो पूरा बच जाएगा कि नहीं, समझ पा रहे हो। देखो सेक्टर की बात, इसकी बात ही नहीं करनी है, इसकी बात तो करनी ही नहीं है, बात किसी करनी है, हमें सिर्फ इतना निकालना है और इतना निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इतना निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से ये निकलता है हमें मालूम है, और इतना निकाल के पूरे सर्कल में से अगर हम इतना माइनस करेंगे तो बचा हुआ सर्कल निकल जाएगा। क्लियर है ना, वही करने वाले। देखो तो आर की वैल्यू कितनी है, देखो आर है 15 और थीटा कितना है 60, चलो रखते हैं सब। तो आर स्क्वायर यानी कितना 15 × 15 3.14 बुक में दे रखा है, आपको लेना है ऐसा, तो हम 314/100 ले लेते हैं। ओके थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस 1/2 साइन 60। अच्छा बुक में देख सकते हो आप, √3 की वैल्यू दिया है, मतलब यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ओके तो ठीक है, ये कितना हो 5 5 = 25, 15 15 = 225, यहाँ से आया 3, यहाँ से कट करते हैं, देखो कट करेंगे तो 0 से 0 गया, 6 6 = 36, 2 3 = 157, ठीक है इतना रहने, तो 157/300 माइनस √3/2 और 2 4 √3/4। ओके साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 आपको याद हो जाना चाहिए, मैं कई बार वैल्यू बता दिया, देखो फिर बता देता हूँ, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 बच गया ना, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2।
ये सारी वैल्यू आप याद रखें ना एक बार, साइन के लिए याद रखना है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आपको आता ही होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो एक बार ये वैल्यू याद कर लें खुद। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब वैल्यू रख दो 1.73 की वैल्यू 225 डिवाइड बाई 157 माइनस 300 माइनस 1.73 वैल्यू होती है रूट 3 की, किताब में देखो आप दे रखा है वो रख। तो अब क्या करेंगे 300 और 4 का वो ले लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 2 का ले लो 2 150 फिर 2 175 और 3 25 1 5551। तो यहाँ देखो कैलकुलेट कर लो 5525 50 100 300 कितना एल सी एम 300, यहाँ कितना आएगा 157 और यहाँ कितना आएगा 300 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा बताओ, इतना आ जाएगा। एल सी एम लिया हमने, एल सी एम लेने के बाद ऐसे हुआ। अब 225 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन है आप खुद से करेंगे तो आप कर सकते हो। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 245.25 डिवाइड बाई 12, और जब आप इसको सॉल्व करोगे इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे खुद से, यहाँ से लगभग आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्या आया, ये एरिया निकल गया किसका, जब माइनस सेगमेंट का एरिया जो ये एरिया है ना, ये एरिया ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ये चीज़ जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली मैंने कर दिया है वो आप खुद से करेंगे, एलसीएम लेना है क्योंकि हमें कर दिया है। इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें से माइनस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, आपका ये आंसर आएगा। ओके, बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं किया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप खुद से कर सकते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो 20.4375 आपका आ गया, ये किसी वैल्यू आ गई माइनस सेगमेंट, क्या हमें क्या चाहिए मेजर सेक्टर, क्या चाहिए हमें मेजर सेगमेंट चाहिए, सेक्टर नहीं मेजर सेगमेंट। ओके, तो मैं ये मिटा देता हूँ और ये भी मिटा देता हूँ, साथ में वैल्यूज भी मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लिख लेंगे पॉज करके पहले ही। ओके, तो अब यहाँ से हम निकालने वाले हैं क्या मेजर सेक्टर, या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो टोटल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्लियर है बात। देखो इतना बड़ा सर्कल है, इसमें से ये मिल गया तो पूरे में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, वही कर रहे हैं हम। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला कितना है, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली वैल्यू निकाल लिया हमने 20.4375 रखो तो यहाँ कितना होगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। देखो आपको थोड़ी कैलकुलेशन टफ लग रही होगी लेकिन कुछ नहीं कर सकते ना, यही होगा। तो ये पॉइंट हटा देते हैं, 100 कर लेते हैं, देखो 5 3 15 5 2 5 20 100 5 3 15 5 4 100 2 2 157। ओके, तो यहाँ से कितना आया देखो 157 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इसको भी कट कर लो, यहाँ ला लो 4.5, ठीक है, इंटू 4.5 माइनस 20.4375, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 686.025 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज़ द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, क्लियर हुआ ये चीज़ क्या किया हमने, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ना। ओके, चल देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि सर्कल है, सर्कल का रेडियस जो दे रखा है, एंगल कितना है 120 है, एंगल कितना है 120 है, कितना है 12 है, वो पॉइंट ले लो ए पॉइंट भी। इससे बनने वाला सेगमेंट हमें निकालना है, इससे बनने वाला सेगमेंट का मतलब ये, बातों को ध्यान रखें, सेगमेंट और सेक्टर में फ़र्क समझें। सेगमेंट में क्या आता है, वी आता है और सेगमेंट में क्या आता है, डी आता है। सेक्टर में वी आता है और सेगमेंट में क्या आता है, डी आता है, आपको याद होना चाहिए। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला कई बार से हमने पढ़ रखा है, फॉर्मूला आपको याद होना हो जाना चाहिए, पाई आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ओके, सारी वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू देखो कितनी है 12, थीटा की वैल्यू कितनी है 120। ओके, तो 12 इंटू 12 पाई की वैल्यू जो किताब में दे रखा है 3.14 ही लेते हैं ना, अभी सॉरी कितना है 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2
साइन 60 की वैल्यू की देखो साइन यहाँ पे क्या है साइन 120। अब आप सोच रहे हो सर साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने पढ़ा ही नहीं है, 0 से लेकर 90 तक ही जानते हैं तो 120 की वैल्यू नहीं जानते। तो देखो जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उनको तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है आप इसको लर्न कर लीजिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो साइन 120 को क्या ऐसा लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60 क्या लिख सकते हैं भाई, 120 जगह हमने 180 माइनस 60 लिखा, कैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 180 में से 60 घटाया क्या बचा, 120 बच रहा है। ओके तो एक फॉर्मूला होता है साइन π - θ क्या होता है, साइन थीटा, एक फॉर्मूला होता है साइन π - θ क्या होता है, साइन थीटा, मतलब यहाँ पे पाई में से अगर थीटा कोई माइनस हो रहा है तो ये जो साइन की वैल्यू होती है ये थीटा, जिसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो देखो पाई का मतलब 180, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन 60। यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, जो साइन 120 की वैल्यू होगी ना वही साइन 60 की वैल्यू होती है, ऐसा होता ही है, इसलिए ये क्या है ऐसे प्रूव हो जाता है। तो साइन 60 यहाँ पे क्या रखना है आप लोग, साइन यहाँ पे कितना रखना है, यहाँ पे साइन 120 इक्वल्स टू साइन 60 इक्वल्स टू रूट 3/2, क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो क्या किया, 120 को 180 में से 60 माइनस किया, प्याज हो गया साइन 60 हो गया, ये साइन 60 वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ऐसा होता है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है, आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो अच्छे से आ जाएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी ने पढ़ रखा है तो उसके लिए इजी होगा। ओके तो अब क्या करना है आपको, 123 जा कट गया ठीक है, ओके तो यहाँ से 12 × 12 कितना बचा देखो, 3.14/3 माइनस 1/2 √3 की वैल्यू, देखो अब यहाँ पे √3 हो गया, √3/2 तो √3 की वैल्यू ऐसे रख लो, √3/2 ही रख लो अभी थोड़ी देर के लिए। ओके तो यहाँ से होगा देखो 12 × 12 3.14/3 माइनस √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73/4 ओपन कर लेते हैं, 12 × 12 × 3.14/3 माइनस 12 × 12 × 1.73/4 ठीक है, इसके इससे साथ और इसके साथ, तो 3×4 = 12 हो गया, तो 12 × 4 = 48 × 3.14 माइनस 4×3 = 12 तो 4×12 = 36 × 1.73 आप सॉल्व 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है माइनस करना है और आपका आंसर है ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस सॉल्यूशन है, ये चीज़ देखो इसी आनी चाहिए, आप क्लास टेंथ में आ गए हो, अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आती है तो ये आपको सीखना ही पड़ेगा, इसलिए आप कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी टीचर आपको ऐसा कैसे भी करके पढ़ा दे लेकिन ये चीज़ें कैसे सिखा सकते हैं, क्लास 5th की क्लास 4th की और छोटी क्लास की चीज़ें हैं तो ये नहीं सिखा सकते आप, मैं आपको ये मैं जरूर आपको बता सकता हूँ कैसे 120 हुआ, 180 में 60 गया 60 आया इसकी वैल्यू सर ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, आप देखोगे किताब में बुक अगर है आपके पास अगर टेक्स्ट बुक तो आप इसमें देखिए पलट के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में वहाँ भी ऐसे फॉर्मूले आपको मिलेंगे ना, तो आप वहाँ से देखो ये ऐसा देखोगे तो आप यही होता है, तो आप ये ऐसे डायरेक्टली रख सकते हो, क्लियर है, बाकी ये चीज़ आप खुद से सीखें प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे, लिख लीजिए इतना आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, एक फील्ड है एक ग्रास फील्ड है जिसका क्या दिया है, ये 15 है, साइड कितना है स्क्वायर फील्ड है तो 15 है, एक घोड़े को ऐसे कोने में बांधा गया है, एक घोड़े को मान लो यहाँ पे एक हॉर्स है उसको ऐसा बांध दिया गया है, और ऐसे बांधा गया है मतलब ये या तो ऐसे जा सकता है या तो ऐसे जा सकता है, या तो ऐसे जा सकता है या तो ऐसे जा सकता है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये क्या एक सेक्टर जैसा चल रहा है, देखो भाई ये पॉइंट है, इस घोड़े को ऐसे बांधा है, जैसे मैंने मान लो ये मेरा हाथ है ये फिक्स्ड है किसी एक घोड़े को मैंने फिक्स कर रखा, तो ये देखो ऐसे चलेगा या तो ऐसे घूमेगा या तो ऐसे चलेगा, ऐसे चल पाएगा इसका मतलब चल तो पाएगा नहीं। ओके तो ये देखो आप अगर ठीक है घोड़ा ऐसा चल रहा है तब यहाँ से इसका रेडियस दे रखा है, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, जितना उसका जो रस्सी है कितना है 5 मीटर है, आई थिंक कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर है, तो आपको बताना है कि जो घोड़ा है वो कितना देर कितनी दूर तक का घास खा सकता है। देखो ये सब ग्रास है, यहाँ पे सब क्या है, यहाँ पे सब ग्रास है ठीक है, पूरे में ग्रास है, तो आपको ये बताना है कि घोड़ा कितने दूर तक का कितने एरिया घास खा सकता है, तो आप देखो कभी भी ये स्क्वायर में जो एंगल होता है कितना होता है 90 होता है, पता है ना ये बात, तो जिसके बीच में एंगल कितना बन रहा होगा 90 बन रहा होगा। तो चलिए देखिए फर्स्ट वन निकालना है हमें एरिया, इफ द हॉर्स नॉटेड ठीक है, बांधा गया है एट 5 मीटर ठीक है, 5 मीटर जो इसकी रोप है ना वो कितनी है 5 मीटर की है, हॉर्स नॉटेड
एट 5 मीटर फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, ठीक है, ये नॉटेड है ना, के एन ओ डबल टी ई डी। ओके देखो क्या है, थीटा की वैल्यू इसके लिए कितनी है, 90 है। आर की वैल्यू कितनी है इसकी, 5 है, ठीक है। आर देखो, आर एक सर्कल बन रहा है ना, ऐसे घुमाते चले जाओगे तो क्या था, एक सर्कल बन जाए, देखो ऐसे ही घोड़ा अगर इधर आ सकता तो कुछ ऐसा बना लेता ना, एक सर्कल बन जा रहा, तो इसका रेडियस कितना है, 5 है। अच्छा फॉर्मूला कितना है आपको पता है, एरिया इक्वल्स क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी, 90, ये कितना, 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है रख लो, 22/7 रख लो। आर कितना है, 5 रख लो और 5 रख लो, ठीक है। सॉल्व करें, ये हुआ 9 4 36, 5 × 11/7 = 14। कितना आएगा, 25 × 10 = 250 275 / 14। सॉल्व करेंगे तो 14 × 275 / 14 साथ कितना आएगा, देखो 14 × 1 = 14। तो ऐसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा सॉल्व करोगे आपको कितना आ जाएगा, लगभग 19.625, दैट इज मीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या कर लेगा, घास खा ले, ठीक है, कब, जब रेडियस कितना है, 5। अच्छा अब इसी में बोल रहा है कि जब हमने इस रस्सी को थोड़ा और खोल दिया, अब रेडियस कहाँ चला गया है, अब रेडियस घोड़ा यहाँ पहुँच गया है, और घोड़े की जो टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी बात कितनी हो गई, 10 हो गई। रेडियस हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, अब रेडियस कहाँ पहुँच गई, इसका 10 हो गया। आना ये है कि हमने कितना एरिया इंक्रीज कर दिया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है, अगर इसमें से इतने में से इतना माइनस करेंगे तो इतना बचा हुआ एरिया निकल जाएगा, हमें वही निकालना है। मतलब हमने एक अगर 5 मीटर एक्स्ट्रा कर दिया है तो इससे कितना एरिया क्या है घास एक्स्ट्रा खा पाएगा वो गाय, वो बताना है आपको, या हॉर्स है तो हॉर्स, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा घास खा पाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। इतना आप लिखेंगे फटाफट, हम रब करते हैं फिर आप आगे बढ़िए। याद रखना 19.625 है, कितना है, 19.625 है, कब, जब आर की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर है। ओके रब करते हैं, इफ द हॉर्स नॉटेड एट 10 मीटर, अब की बार क्या हो गया, 10 मीटर फ्रॉम द कॉर्नर। अब देखो यहाँ पे वही बात, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू वही 9 रहेगा, ये हुआ 160, ये पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 ले लो। आर की वैल्यू कितनी है इस बार, 10 × 10, इस बार आप ये ना लेके 314 ले लो ना, देखो ये अपनी मर्जी के ऊपर है ना, 314 लो चाहे 22, अगर मेंशन है तो लेना है, नहीं मेंशन है तो आपकी इच्छा। देखो हमने देखा 10 × 10 = 100 होता तो यहाँ से कट जाएगा, इसलिए हमने ऐसा ले लिया। ये 9 4 = 36 हो गया, 2 हो जाए यहाँ 157 आ गया, यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, 2 7 = 14, 1 2 8 = 16, 0.25 = 10, कितना आ रहा है एरिया, 78.5, कितना आ रहा है, 78.5 मीटर स्क्वायर। तो आप देखो अगर 10 करने पे 78.5 आ रहा है और 5 करने में कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, तो हमें जो रिमेनिंग एरिया है ऐसे लिख सकते हो आप, द एक्स्ट्रा एरिया विल बी कितना होगा, 78.5 में से माइनस कर देंगे हम 19.625 आएगा यहाँ से, 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो हमने एक्स्ट्रा 10 मीटर करने के बाद जो हमारा एरिया एक्स्ट्रा बढ़ गया है घास के लिए वो कितना, 58.875। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है क्वेश्चन ये ना, 2016 में आई थिंक आया, 16 में 17 में ऐसे कुछ आया, ठीक है। तो आप ये करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार 5 पे रखना है, एक बार 10 पे निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है, कर लीजिए। इसको करने का एक तरीका और भी, आप क्वाड्रेंट से कर सकते हो, उससे आप ट्राई करो तो ट्राई करो, कई सारे इंस्टीट्यूशन में स्कूलों में वही कराते हैं, बाकी ये मुझे लगता है इजी है, आपने वही कंसेप्ट पढ़ रखा है इसलिए आपने इसका यूज़ किया और आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, कर लीजिए ना इतनी बातें पढ़िए। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसके अंदर हमने 5 6 7 & 8 चार क्वेश्चन किया है, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 9 10 11 12, ठीक है, 13 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग है सारे एग्जाम एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सब वीडियो और सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये सब जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ही हैं, तो आप लोग इनको पढ़ें और इनसे रिलेटेड जिधर भी आपको कहीं बुक मिलती हो, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो। और 10th का रिजल्ट आप लोगों ने देखा आ गया है, ठीक है, जो पिछले साल के बच्चे थे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है हमारा, मेरे कई सारे बच्चों के परसेंटाइल 90+, 91, 92% / 94% जितने आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई जान के। तो आप लोग भी पढ़िए और आप लोग भी नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ, यही मेरी विशेष है आपके साथ, सब पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, ऑल द बेस्ट।